कोरोना वायरस की जद में पाकिस्तान की आम जनता के साथ साथ अब पाकिस्तानी सेना भी आती दिखाई दे रही है। आलम यह है कि पाकिस्तानी सेना के 8 टॉप ऑफिसर्स को कोरोना से ग्रसित पाया गया है। इससे पाकिस्तानी सेना में भयंकर डर का माहौल बन गया है और जवानों ने ड्यूटी पर जाने से ही मना कर दिया है। पाकिस्तान ने कोरोना को लेकर शुरू से ही सुस्त रवैया दिखाया, जिसके कारण अब ना सिर्फ पाकिस्तान की आम जनता बल्कि सेना भी कोरोना की चपेट में आ गई है। ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तानी सेना जल्द ही इस कोरोना स्ट्राइक की वजह से घुटने टेक सकती है। पाकिस्तान में जब से सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया को सख्ती से लागू करना शुरू किया है, तभी से लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे डर बढ़ गया है कि पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों में वुहान वायरस के मामलों की रिपोर्टिंग सही से नहीं हो रही है और इसके कारण इन देशों में यह महामारी बड़ा रूप धारण कर सकती है। पाकिस्तान वुहान वायरस से बुरी तरह पीड़ित दो देशों यानी ईरान और चीन के साथ सीमा साझा करता है और पाकिस्तान ने काफ़ी समय तक इन देशों के साथ अपने बॉर्डर्स को बंद नहीं किया। जनवरी में चीन में शुरू हुई यह बीमारी जनवरी महीने के अंत तक ईरान में पहुंच चुकी थी और फरवरी में 23 तारीख तक पाकिस्तान ने ईरान से सटे अपने बॉर्डर को बंद नहीं किया। यानी फरवरी महीने में लंबे समय तक ईरान में पाकिस्तानी नागरिकों का आना जाना लगा रहा था, जो कि बड़े पैमाने पर वुहान वायरस से पीड़ित देश है। इसके अलावा पाकिस्तान में चीन से भी लगातार फ्लाइट्स आती रही, जिसमें शक है कि कोरोना से पीड़ित मरीज भी पाकिस्तान में बिना किसी रोकथाम के आते रहे। बता दें कि पाकिस्तान वही देश था जिसने अपने देश में कोरोना ना घुसने देने के लिए चीन के वुहान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने से मना कर दिया था। पाकिस्तानी छात्रों ने तब पाकिस्तानी सरकार से उन्हें बाहर निकालने की काफ़ी मिन्नतें की थी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने उनकी एक बात भी नहीं मानी थी। इसके उलट एक पाकिस्तानी अधिकारी ने उन छात्रों को संदेश दिया था, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, यहाँ आनी है या वहाँ आनी है। अब लगता है कि पाकिस्तानी सेना को अपनी इसी लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही गर्त में जा चुकी है और इसके साथ ही पाकिस्तान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही घटिया गुणवत्ता का है, जिसके कारण वहाँ इस वायरस फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जिस प्रकार पाकिस्तानी सेना के फौजी काम पर आने से मना कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के चरमराने का खतरा भी बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तानी सेना इस कोरोना स्ट्राइक से किस प्रकार लड़ती है और वह इसका मुकाबला कर भी पाएगी या नहीं।